गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, जय जिनेंद्र। और तो अपना मैं एक नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ और फिलहाल मैं खड़ा हूँ इंदौर रेलवे स्टेशन पे। और आज मैं अपना नया ट्रैवल करने जा रहा हूँ इंदौर से भोपाल, जो कि मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर नगर भोपाल इंका सिक्के एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19343, जो कि ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवेज के द्वारा। और एक ट्रेन की बात करते हैं रिटर्न में आती है एज अ ट्रेन नंबर 19324 भोपाल डॉक्टर अम्बेडकर नगर इंका सिक्के एक्सप्रेस। अगर आज के वार की बात करें तो आज रविवार करेंट टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे और अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पे 6:15 बजे, जो कि यहाँ से डिपार्चर होगी 6:30 पे। 15 मिनट का स्टॉप इंदौर रेलवे स्टेशन पर रहता है। बात की जाए तो मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और इंदौर के स्टेशन कोड की बात की जाए तो वो लगता है INBB एंड भोपाल स्टेशन कोड है BPL, जिसको कि ऑपरेट किया जाता है बाय वेस्टर्न रेलवे। टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस है अप्रॉक्स 300 किलोमीटर। टाइम लगेगा अपने को इंदौर से भोपाल पहुंचने का 4.5 घंटे और अपन भोपाल पहुंचेंगे अप्रॉक्स 11 बजे। तो ट्रैवल में पूरा बने रहे और वीडियो को आखिरी तक देखें। तो मैं YouTube चैनल अनिश जैन व्लॉग्स और वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो पूरा देखते हो अपना ट्रैवल एंजॉय कर, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी इस रूट के बारे में। जो भी मुझे पता है मैं सब बताऊंगा आपको, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और आज का वीडियो एंजॉय करें घर बैठे इंदौर भोपाल। टाइम हो चुका है सुबह के 6:15 और ट्रेन के आने का टाइम हो चुका है, तो बस ट्रेन का वेट करते हैं। ट्रेन आ रही है अपनी मऊ डॉक्टर अम्बेडकर नगर से, जो कि इंदौर में जिसका हॉल्ट क्या मात्र 15 मिनट का। तो चलो ट्रेन आती है बोर्ड करते हैं, फिर आपसे मैं मिलता हूँ जल्दी ट्रेन में बोर्ड करने के बाद में। आ चुके हैं अपनी ट्रेन नंबर 19323 और आज इंदौर जंक्शन पे ही लेके आई है अप्रॉक्स 15 मिनट लेके इंदौर जंक्शन पे आज ये ट्रेन। तो देखते हैं आगे कवर अप कर लेगी ये ट्रेन मुझे लगता है। और आज मैंने अपना सीट बुक करी है एसी कोच, मैं कोच आज C1 कोच और ट्रेन अपनी ICF कोचेस के अंदर। तो यार चलते हैं अपन अंदर, चलते हैं कोच में। और मुझे सीट नंबर मिला है सीट नंबर 24, जो कि विंडो साइड, और विंडो साइड सीट का अलग मज़ा है आपको पता ही है ट्रैवल करने के लिए। तो जब बोर्डिंग कर लिया सब पैसेंजर फिर अपन बोर्ड करते हैं और चलते हैं। आज लेट के ट्रेन तो मुझे लगता है नहीं ज़्यादा देर रुकेगी, तो चलते हैं अपनी सीट बोर्ड करने और देखते हैं ट्रेन में, चलते हैं ट्रेन बोर्ड करने। तो अगर कोच के टोटल सीट कैपेसिटी की बात की जाए तो टोटल सीट कैपेसिटी है 73। और एक बात मज़े की है कि ट्रेन आज भी ICF कोचेस के साथ चलती, जो कि अब बहुत कम हो गए कोचेस, लगभग बंद होने को आ गए अब जो वंदे भारत जैसे ट्रेनें चल रही। तो टाइम हुआ है फिक्स 6:50 और अपनी ट्रेन इंदौर जंक्शन से रवाना हो चुकी है। और फिलहाल आज ये ट्रेन लेट के वैसे ही 15 मिनट, तो आज ज़्यादा रुकी नहीं यहाँ पर ट्रेन।
तो सफ़र इंजॉय करते हैं, आपको पूरा सफ़र बताते हैं कैसा क्या रहता है और मज़े करते हैं। आज का सफ़र शुरू होता है। डिपार्टिंग फ्रॉम इंदौर जंक्शन, टाइम हुआ 6:50। तो अगर कोच की बात की जाए तो कोच में 6 जो कि बेहद कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है एक ट्रैवल के मुताबिक होटल होल्ड कर यहाँ तो क्या हुआ है, लगेज रैक, आर्मरेस्ट हैंग, पुश बैग, तो कुछ इंटीरियर पे इस टाइप का है कोच का, तो देख सकते हैं। अगर कोच की बात की जाए तो कोच साफ है, लगभग साफ है। टाइम हो रहा है अभी 7:30 और पहुंच चुके हैं देवास जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1। और करेंटली वी आर लगभग 15 मिनट लेट चल रहे हैं। और देवास की बात करो तो देवास फेमस है अपने देवास के इकरी मंदिर के लिए, मातायनी मंदिर के लिए। तो ट्रेन बोर्ड करते वापस और अब मिलता है मैं आपसे अगले स्टॉप पर। और लेट चल रहे तो शायद, और देवास में शायद 2 मिनट का स्टॉप है, तो अभी शायद 2 मिनट का है क्योंकि लेट चल रहा, तो क्या ही रुकेगी 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर। तो मिलते हैं अब अपने अगले स्टॉप पे आपसे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो में आपको पूरा मज़ा आएगा। डिपार्टिंग फ्रॉम देवास जंक्शन, ट्रेन में टोटल कोचेस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 15 से 17 कोच है, जिसके अंदर 4 जनरल कोच है, 5 सेकंड के कोच है, 1 एसी कोच है, 2 एसएलआर कोच है और 1 इंजन है। तो ये ट्रेन के कुछ कोच है और ट्रेन चलती है ICF कोचेस के ऊपर। इंदौर से देवास की बात करें तो इंदौर से देवास टोटल डिस्टेंस कवर कर चुके अपन 38 किलोमीटर। तो अब आगे चल चुके हैं अपन देव भोपाल के लिए और आपसे अगले स्टॉप पर मिलता हूँ मैं अपने जो भी होता है। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, वीडियो में पूरा बने रहे और आपको भोपाल तक की पूरी संपूर्ण जानकारी, इसको संपूर्ण जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी भोपाल, इंदौर भोपाल इक्या सिक्की के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे।
फ्रैंक क्रॉस और इंदौर बिलासपुर। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:10 और वैसे अभी 10 मिनट लेट चल रहा है और पहुँचे हैं मक्सी जंक्शन, जहाँ पे स्टॉप पे 1 मिनट का। और अगर मक्सी की बात की जाए तो मक्सी फेमस है अपने मक्सी पार्श्वनाथ मंदिर के लिए। तो ट्रेन बोर्ड करते हैं और चलते हैं अपन अपने कोच में, चलते हैं। फिर हो गया टाइम 1 मिनट का, ओ चलते हैं वापस। और मक्सी पार्श्वनाथ कभी घूमने का मौका मिला तो मक्सी पार्श्वनाथ जरूर आऊँगा मैं, कभी देखा नहीं, बहुत प्यारा मंदिर है, सुना है उसके बारे में बस। तो चलते हैं मक्सी से और आपसे मिलते हैं अगले स्टॉप पे भोपाल। चलते हैं भोपाल, एंजॉय करें भोपाल, इंदौर भोपाल टूर। गाइस अगर अपन बात करें इंदौर भोपाल के ट्रेन के फेयर की बात करें तो आपको जनरल टिकट का लगेगा 70 रुपये, अगर आप सेकंड सेटिंग में रिजर्वेशन कराते तो आपको लगेगा 90 रुपये, और स्लीपर की बात करें तो स्लीपर के मैंने पे करे पूरे 400 रुपये, इंदौर भोपाल के 400 रुपये लगे हैं। तो आप अपने हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं और टिकट प्राइस चेंज होते रहते हैं होते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लेना आप जब बुक करते तो क्या प्राइस रहते हैं। करेंटली एक्स जालपुर जंक्शन और ट्रेन अब फिक्स टाइम पे चल रही है, पहले लेक चल रही थी जो टाइम कवर अप कर लिया है। डिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि अपन ने 160 किलोमीटर कवर अप कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है। और यहाँ के स्टॉप की बात करें तो यहाँ 2 मिनट का स्टॉप रहता है ट्रेन का, तो 2 मिनट बाद बस तो ट्रेन रवाना होने में 2 मिनट और। फिक्स टाइम पर हो चुका है, वेब फोर्ड लगा। इंजन की बात करें तो वेब फोर्ड का पावरफुल इंजन है, तो अपने आप ही स्पीड तो कवर अप करनी ही है। तो ट्रेन में आज लगा है वेब 4 का लोकोमोटिव, वेब 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो पावरफुल लोकोमोटिव, तो टाइम कवर अप कर लिया जो 15-20 मिनट के लिए चल रही थी ट्रेन। और कोच की बात करें तो अप्रॉक्स 70% तक कोच फुल है, आज पैसेंजर है, और इस कोच में लगभग यही रहता है 50-70% तक कोच फुल रहता है। तो टाइम हुआ है 9:05, पहुँच चुके हैं काला पिपल जंक्शन। डिस्टेंस कवर की बात करें तो डिस्टेंस अपन ने कवर कर लिए 170 किलोमीटर। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नए अपने लास्ट स्टॉप भोपाल जंक्शन पे, और तब तक वीडियो में बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पूरा देखें।
तो अब मैं मिलता हूँ आपसे भोपाल जंक्शन पे, और काला पिपल में बता दूँ तो आपको केवल यहाँ 2 मिनट का स्टॉप मिलेगा। तो बस चलते हैं और आगे ट्रैवल इंजॉय करते हैं, तो मिलते हैं आपसे भोपाल जंक्शन पे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे और हम पहुँचे श्री हिरदाराम नगर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। एंगल ट्रेन की बात करें तो बिफोर टाइम में लगभग आधा घंटा और पड़ी रहेगी अब आधा घंटा भोपाल पहुँचने के पहले। भोपाल पहुँचने और मैं अब आपसे भोपाल जंक्शन पर अपने। गाइस ट्रेन ने अपना को फिक्स 11 बजे भोपाल उतार दिया है, और भोपाल उतारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको क्या अच्छा लगा, वीडियो शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों और सभी के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आपको नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे, नए ट्रैवल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और अब आपसे मिलता हूँ मैं अपने नए वीडियो में बहुत जल्दी किसी नए सफ़र किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब आपसे मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।